गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जीके का अपना दूसरा लेक्शन है स्पोर्ट्स स्टेडियम। इसके पहले अपने ने सिंबल ऑफ जो गेम था उसको देखा था। आज लेसन सेकंड और थर्ड और फोर्थ जितना पूरा होगा उसमें ये लेसन में तीनों लेसन कवर करने का अपने प्रयास करेंगे ये वीडियो में। जो लोग ने भी लाइव लेसन देखा है या नहीं देखा है वो लोग इसको फिर से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लेसन है स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, खेल कूद के जो स्टेडियम बने हुए हैं। यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है इसमें आप पहले लास्ट में जो देखेंगे नो मोर लिखा है द लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम विद सीटिंग कैपेसिटी 25,000। वो सही है लेकिन लास्ट में जो सेकंड लिखा है द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड इज ईडन गार्डन कोलकाता। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसमें जो है 90,000 है, लेकिन अभी एक नया स्टेडियम अहमदाबाद में बना उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया, उस वो इससे भी बड़ा है। उसकी कैपेसिटी 1,32,000 पर्सन की है। तो इसमें कुछ गेम स्टेडियम दिए हुए हैं वो कहाँ पे है वो बताना है। और इसके सिवाय भी और बहुत सारे देश में स्टेडियम है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। कुछ इस बुक के सिवाय अगर कुछ मैं बोलूँ तो जैसे पहला बोला आपको ये बुक में नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। एक स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो अहमदाबाद में है और उसका कैपेसिटी 1,32,000 है। दूसरा एक गार्डन है बुद्ध इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट, उसका वो नोएडा यूपी में है, उसके कैपेसिटी 1,10,000 है। एंड एक है सॉल्ट लेक स्टेडियम, वो एथलेटिक्स और फुटबॉल के लिए है, उसका कैपेसिटी 85,000 है, वो कोलकाता में है बंगाल। एक है ईएमएस स्टेडियम, वो फुटबॉल का स्टेडियम है केरला में, उसका 80,000 कैपेसिटी है। ईडन गार्डन भी अपने ने देखा है उस जो पहले सबसे बड़ा। एक स्टेडियम है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, वो हैदराबाद तेलंगाना में है, उसका कैपेसिटी 60,000। और एक अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में एनसीआर में, उसका कैपेसिटी है 41,820। इसके सिवाय भी और स्टेडियम है, आप उसके लिए सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा बोलते हैं बारंबार बोलता हूँ कि उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो नोट में लिखेंगे तो अच्छा है। अब अपने बुक पे आते हैं। फर्स्ट लिखा है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम वो कहाँ पे है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, वो डी में देखो डी में न्यू दिल्ली। सेकंड है ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में। एंड ग्रीन पार्क वो स्टेडियम कहाँ पे है, कानपुर, इसमें जी है, जी में है कानपुर। फिर ये है चिपॉक स्टेडियम, वो चेन्नई में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वो भी न्यू दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम वो ए बेंगलुरु में है। एंड नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली, यदविंद्र स्टेडियम पटियाला, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, ये है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड आपका न्यू दिल्ली में। एंड ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद, एंड वानखेड़े स्टेडियम वो मुंबई में, एंड सरदार पटेल स्टेडियम वो है अहमदाबाद में, सरदार पटेल स्टेडियम नवरंगपुरा में। तो इसको ये एग्ज़ाम के लिए जो बुक में दिया है उसको इसको लर्न करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद लेसन थर्ड आता है,
थर्ड लेसन क्या है, स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज। स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज में जैसे ना होता है ना कि क्रिकेट में तुमने देखा होगा रिलायंस कप, सहारा कप, इस तरह से नाम होते हैं। तो इसका कुछ अपना पहले से नाम रखे हुए हैं, जो आगा खान कप है, रुइया गोल्ड कप है, इंदिरा गोल्ड कप, इस तरह से। तो ये किस गेम के लिए है, इसके सिवाय भी और भी ट्रॉफी होती हैं, जैसे बीसी रॉ ट्रॉफी है एक, वो फुटबॉल के लिए है, नेशनल जूनियर में दी जाती है, ये 1962 से चालू हुई है। गुरु नानक देव गोल्ड कप है हॉकी के लिए है, वो 1979 में स्टार्ट हुआ। जे आर ईरानी कप वो क्रिकेट के लिए है 1959। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है हॉकी के लिए, ये 1978 में स्टार्ट हुआ। मुरुगप्पा गोल्ड कप है वो भी हॉकी के लिए है, ये 1901 में स्टार्ट हुआ। एक है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, बोट रेस के लिए है नेहरू ट्रॉफी, वो 1952 में स्टार्ट हुआ। एक निजाम गोल्ड कप है हॉर्स रेसिंग के लिए दिया जाता है, वो 1886 में स्टार्ट हुआ। एक है रंगा स्वामी कप, वो हॉकी के लिए है, नेशनल चैम्पियनशिप के लिए देते हैं, 1928 से चल रहा है। दियोदर ट्रॉफी एक है क्रिकेट के लिए 1973 में। और एक अपने खेला ध्यानचंद, जो हॉकी के बड़े खिलाड़ी हुए जिन्होंने हमको कई बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाए, उनके नाम पे एक अवार्ड है, वो अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर के लिए, वो 2002 में स्टार्ट हुआ ध्यानचंद। ये अपने बुक के बाहर जो अभी मैंने बोला, ये बुक में नहीं है अपनी, अब बुक में जो है उसको देखते हैं। फर्स्ट है आगा खान कप, ये हॉकी के लिए दिया जाता है। फिर इसको कब से शुरू किया ये आप सर्च कर सकते हो अगर आप चाहेंगे तो, वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, एग्ज़ाम में सिर्फ यही आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको सर्च करना है तो कर सकते हैं। तो आगा खान हॉकी के लिए, रुइया गोल्ड कप ब्रिज, इंडिया गोल्ड कप वॉलीबॉल, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी लेकिन वुमन के लिए, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी वो बास्केटबॉल के लिए दी जाती है, चार मीनार ट्रॉफी जो एथलेटिक्स के लिए दी जाती है, रणजी ट्रॉफी वो क्रिकेट के लिए दी जाती है, एजरा कप वो पोलो के लिए दी जाता है, दुरांद कप फुटबॉल के लिए दी जाता है, दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट के लिए, अमित दीवान कप बैडमिंटन के लिए, वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग के लिए, और बर्ना बेला कप मेन के लिए टेबल टेनिस। तो ये कप कौन कौन सी गेम में दिए जाते हैं इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी अपने आ जाते हैं नंबर फोर पे, नंबर लेसन नंबर फोर, हाउ मैनी प्लेयर्स, यानी कोई गेम है वो गेम में, एक गेम में कितना प्लेयर रहते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट में देखेंगे अपने कबड्डी, तो कबड्डी जो ग्राउंड में खेलते हैं उन खिलाड़ियों का, उतना खिलाड़ी का दिया है इसमें कि ग्राउंड में खेलने वालों खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है। तो कबड्डी में 7, खो खो में 9 लोग खेलते हैं, फुटबॉल में 11, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, क्रिकेट के अंदर 11, हॉकी 11, बेसबॉल 9, हैंडबॉल 11, पोलो 4, वाटर पोलो 7, 12 में सूमो में 2 प्लेयर्स, रग्बी में 15 प्लेयर्स, सोशर में 11, बैडमिंटन में 2, एंड लेक्रोस में 10, आइस हॉकी में 6 प्लेयर, रेसलिंग 2, ब्रिज 2 एंड बिलियर्ड्स में भी 2। तो ये चार लेसन अभी अपने ये वीडियो में हमने 3 लेसन कंप्लीट किया, स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज एंड हाउ मैनी प्लेयर। तो अभी ये जो तीनों लेसन अपने चलाए उसके पहले जो पहले का वीडियो है वो कुल मिला के अपने 4 लेसन कंप्लीट हुए। ये 4 लेसन पूरा एक्सरसाइज इसमें जो वर्कबुक में है उसको कंप्लीट करके
और आप इसके बारे में और कुछ भी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा जानने मिलता है कहीं से भी, तो आप अपने नोट में रख सकते हैं। जब भी हम रूबरू होंगे, मिलेंगे यहाँ पे स्कूल में, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज अपने यहाँ पे ये दूसरे वीडियो में 3 लेसन को कवर किया। अब अगले लेसन में, अगला वीडियो जब आएगा तब उसमें अगले लेसन को देखेंगे। तो और लाइव वीडियो में सारे के सारे लोग एंट्री लो, उसके अंदर पढ़ो, और उसके बाद ये फिर भी ये वीडियो में डालता हूँ इसलिए कि किसी का रह गया हो, कोई नहीं ज्वाइन हुआ हो, तो वो देख सके और फिर से रिवाइज कर सके। तो आज के लिए इतना ही।